नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ गुजरात में और मैं हूँ सूरत महुआ में। मैं यहाँ इस गांव में लोगों से पूछूंगी कि कितना विकास देखा है इन्होंने, कितना बदलाव देखा है इन्होंने बीते सालों में। आप बताइए सर, आपकी क्या उम्र है, आपका क्या नाम है? मेरी 38 एज है और मेरा नाम हेमंत है। आपने क्या क्या बदलाव देखा है गुजरात में और अपने गाँव में? बदलाव की बात करें तो पूरे पहले की कांग्रेस की सालों में यहाँ पे नहीं रास्ता था, नहीं पानी का काम हुआ था, नहीं बिजली का काम हुआ था। जब से यहाँ से गुजरात में मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से यहाँ का तुम आप लोग रास्ता भी देख लो, पानी की सेफ्टी देख लो और आरोग्य की सुविधा भी देख लो, तो बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। गांव वालों को मिली है सारी सुविधा? सारी सुविधा नहीं नहीं सारी सुविधा आप गांव में भी घूम के देख लो, सबके घर में आयुष्मान कार्ड भी है, सबको किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, सबको उज्ज्वला कनेक्शन भी मिला है और सब लोगों को जो विधवा भाई है उनको पेंशन भी मिल रहा है और जो वृद्ध लोग है उनको भी पेंशन मिल रहा है और घर बैठे मिल जाता है। और हमारे पंचायत में भी डिजिटल पंचायत है, हमारी पंचायत में भी ये सब काम हो रहा है अभी। आप ध्यान रखिए, आप कैमरे पे बोल रहे हैं कि सबको मिला है, सबको मिला तो है। ऐसा तो नहीं कि कोई छूट गया। गारंटेड है मेरी, सबको पूछ लीजिए, सबको मिला है, सबको। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नानू भाई है। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 63 वर्ष। तो आपने क्या क्या बदलाव देखा अपने गाँव में? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सरकार वक्त यहाँ रास्ता नहीं, सुविधा नहीं आती, कोई बीमार थी जाए तो दवाखाने पर जवानी सगवड़ पूर्ति नहीं आती। आ मोदी सरकार ने जे सरकार आवी आ गुजरात नी अंदर तो पहला तो बीमार थी गया 108 नंडला मां नंडलो मानस पण तेने तात्कालिक हॉस्पिटल के दवाखाने पहुंचाड़ी सके ए सुविधा थई। पानी नी सुविधा पण घरे घर थई छे अने अंदर ना घर ना के गाम नी अंदर भी रस्ता नी सुविधा बहु कम्प्लीट आ सरकारे करी छे। पहले नहीं था? पहला नहीं आती, पहला तो कादो मां घूटण घूटण जेटला कादो मां बीमार लोकोने जोरी करीने दवाखाने पहोंचाડવાની પરિસ્થિતિ હતી, તે આજે નથી। આજે તો તમે ફોન કરો એટલે 5 થી 10 મિનિટમાં આવી જાય 108 અને જાતા જે તે હોસ્પિટલ કે જે તે દવાખાનામાં પહોંચાડી દે, માણસને મરતાને પણ બચાવી લે। આ સરકારે બહુ સારી સુવિધા કરી છે આ મોદીજીની સરકાર, એટલે આ સરકાર જેવી કોઈ સરકાર મેં જોઈ નથી આના જેવી। आप बताइए सर, आपने क्या बदलाव देखा है यहाँ की परिस्थिति? देखो तो पहले ये भाई ने जो बताया ना, तो कोई बीमार हो जाता था, कोई प्रॉब्लम होता था, कुछ भी हो जाए ना तो यहाँ से ले जाने के लिए महुआ हमारा दूर रहता है, हॉस्पिटल सब कुछ यहाँ तो सब किसी को उचक के ले जाते थे और कोई बड़त गाड़ी में ले जाते थे। वहाँ जब पहुँचते तो कभी तो हम सोचते कि वो जिंदा आएगा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति। अभी तो फोन करते तो 108 आ जाती है, वहाँ पे ही पहले ट्रीटमेंट मिल जाती है, उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल। मतलब बीमारी आप बोल रहे हो कि बहुत टाइम लगता था पहुँचने। सड़क बहुत खराब थी इसलिए बहुत प्रॉब्लम रहता था। अभी जो मोदी के राज में अभी 24 घंटे हमारे यहाँ लाइट तो कभी कब आती कब चली जाती कोई मालूम नहीं रहती। और हमारे यहाँ सिंचाई का जो प्रॉब्लम था वो मोदी के आने से वो हमारे नदी पे सब बंद बना दिया। सिंचाई का क्या समस्या थी आपकी? हमारे गाँव में नहर नहीं है। अच्छा। तो वो जो नदी है ना उसमें नदी में लिफ्ट लेके पानी रहता है, नदी में जो चौमासा आता है तो पानी रहता है, तो मुंदाड़ा में छेले छेले टाइम पे जो पाक हमारे जो तैयार हो जाता तब भी पानी नहीं मिल रहा था। तो मोदी के राज में जो बंद बना दिया तो बंद बनाने के बावजूद भी अब बंद बनाया इसलिए सब खेती लीलाछम हो गया हमारे यहाँ। खेतों में पानी मिलता है? खेतों में पानी सुपर मिलता है क्योंकि नदी में पानी का प्रॉब्लम नहीं रहा, बंद बन दिया इसलिए बांध के वजह से। आप बताइए सर, आपने क्या बदलाव देखा है? मोदी जी आए है तब से हमने यहाँ जबरदस्त परिकार हो रहा है, जो बदलाव हुआ है, रोड रास्ता पानी और पुल सिंचाई की व्यवस्था यहाँ है। यहाँ हमारे आगे 2 किलोमीटर जो पुल कच्चा था वो भाजपा सरकार आई तो उसने पुल बना दिया। और यहाँ जो पानी आता है नदी का तो यहाँ रास्ता डूब जाता था, 7 किलोमीटर का चक्रावा होता है, विद्यार्थियों को परेशान हो रहे थे, नौकरियात सब, तो यह पुल बन गया है तो यहाँ सारी सुविधा है। इस गांव के लोग क्या काम करते हैं बकायदा, कौन सी कम्युनिटी है यहाँ पे? सब खेड़ूत लोग हैं, आदिवासी किसान लोग। अच्छा, तो क्या करते हैं यहाँ पे लोग? पशुपालन, खेती बाड़ी, सब लोग। इनको माइक दे दीजिए, बात कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी आदिवासी लोग की है। अच्छा। और सब लोग
पशुपालन और खेतीबाड़ी पे ही डिपेंडेड है, तो उनको खेतीबाड़ी के लिए पानी की जो समस्या थी वो भी सिंचाई विभाग से पूरा काम कर दिया है। और सिंचाई विभाग में 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे मोटर का पानी चलता है। और आप माने नहीं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो मंडली चल रही है, पियत मंडली जिसको हम बोलते हैं, तो उनसे खेडूतों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और सब लोग जो फ्री फ्री वाली बात कर रहे हैं ना, तो फ्री वाली बात में आपको बोलूँ तो यहाँ से जब से गुजरात गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है तब से यहाँ पे शिक्षा फ्री में ही मिल रही है। अच्छा। हाँ, और आरोग्य की बात करें तो आयुष्मान माँ कार्ड के द्वारा 5 लाख का मुआवजा मिल ही रहा है सब लोगों को, और सब लोगों के पास कार्ड भी है, तो यहाँ फ्री की बात भी चलने वाली नहीं है, तो सबको मिल चुका है और सबको आवास भी मिल रहा है, और 24 तक सबको मिल जाएगा, जो थोड़े बचे हुए हैं उसको भी मिल जाएगा 24 के पहले ही। और कुछ आप बोलना चाहते हैं, सरकार से कोई शिकायत है आपको किसी बात की? सरकार से कोई शिकायत नहीं है हमारी, संतुष्ट है सरकार? संतुष्ट है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी की बात करें, मोदी जी सब छोटे छोटे लोगों के बारे में सोचते हैं, तभी तो उन्हें उजाला कनेक्शन दिया, वो पैसे वाले के बारे में नहीं सोचा, गरीब को दिया है, आयुष्मान कार्ड दे दिया। आपको क्या क्या मिला है बताओ, अपना बताओ। उजाला कनेक्शन मिला है मेरे घर में, आपको भी मैं बता सकता हूँ, मेरे सब मेंबर को 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है, मेरे मम्मी और पापा को किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार रुपया, साल में 6 हजार रुपया मिल रहा है सीधा बैंक के खाते में, कोई घोटाला गपला नहीं उसमें, सीधा वहाँ से डाले और 2 हजार रुपया आ जाता है खाते में, बराबर आता है। अच्छा, आप बताइए बाकी की जो पार्टियां आती हैं प्रलोभन के लिए, क्या लगता है? वो तो सब प्रलोभन देती है, विश्वास नहीं आता, क्योंकि वो तो पहले भी बोल के चला गया, जो पहले कांग्रेस के राज में तो देख लिया, अब जो केजरीवाल वो भी क्या करेगा, ये मोदी है जो बोला वो तो मुमकिन बनाता है, वो करता है, विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है, नहीं इतना ही बाकी है मोदी का। आप क्या बोलना चाहोगे मोदी जी को? मोदी सरकार चाले, अने मोदी सरकार बताना विचारे भी, सांभळे भी खरा, અને કામ બી કરે છે। આ બીજી બધી પાર્ટીઓના બધા આવીને લોકોને ભરમાવી જાય છે કે અમે આમ કરીશું, તમે તેમ કરીશું, પણ એ બીજી પાર્ટી કોઈ આવવાની નથી સત્તા પર, ખોટા વચનો આપીને ભરમાવી જાય છે લોકોને। એટલે તો મોદીની સરકાર આવે અને મોદીજીની સરકાર બે જ છે। तो ये थी हमने बात की महुआ, सूरत महुआ के गांव से लोगों से बात की कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या उनकी राय है और क्या वो मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को। बाकी जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।